दोस्तों मौजूदा समय में टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है। ऐसे में हर खिलाड़ी को सभी फॉर्मेट के लिए टीम में जगह बना पाना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे भारतीय स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन T20 इंटरनेशनल में वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही चार खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। नंबर 1, अजिंक्य रहाणे। भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे का T20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। साल 2011 में डेब्यू करने वाले रहाणे ने 20 मैचों में 20.83 की औसत से 375 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ एक ही अर्धशतक शामिल है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी T20 मैच साल 2016 में खेला था। नंबर 2, उमेश यादव। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भारत के लिए टेस्ट और वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन T20 इंटरनेशनल में उनके आंकड़े अच्छे नहीं हैं। दरअसल साल 2012 में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज उमेश यादव ने सिर्फ 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उनके खाते में सिर्फ 9 विकेट आए हैं, जिस वजह से उन्हें अब टीम में जगह मिल पाना मुश्किल लग रहा है। नंबर 3, रॉबिन उथप्पा। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा रहने वाले रॉबिन उथप्पा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। साल 2007 में डेब्यू करने वाले उथप्पा ने 13 T20 इंटरनेशनल मैच में 24.90 की औसत से 249 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक जड़ा है। उथप्पा ने भारत के लिए आखिरी T20 मैच साल 2015 में खेला था। नंबर 4, ईशान शर्मा। भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख गेंदबाज ईशान शर्मा ने साल 2013 के बाद से भारत के लिए कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, जबकि साल 2008 में डेब्यू करने वाले ईशान शर्मा ने भारत के लिए 14 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 8 विकेट चटकाए हैं। इन मुकाबलों में वह काफी महंगे साबित हुए थे, इसलिए अब उन्हें भी T20 टीम में जगह मिल पाना मुश्किल है। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।